हेलो गाइस, तो कैसे आप सभी लोग, वेलकम बैक टू दी अनदर गेम प्ले वीडियो। तो गाइस, आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं लास्ट डे रूल सर्वाइवल। तो लिटरली गाइस, आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना। तो गाइस, जैसे कि आप लोगों ने हमारा पिछला एपिसोड देखा होगा, जहाँ पे गाइस हमने बहुत बड़े स्टील बीस को रीड करा था, वो भी स्पोर्ट कार के लिए, क्योंकि गाइस जो हमारे विष्णु भाई इस सर्वर में खेल रहे थे, तो गाइज उनको किसी ने एक स्पोर्ट कार गिफ्ट करा था, जो कि एक बंदा रैंडम बंदा उनके साथ स्कैम करके वो स्पोर्ट कार लेके जा चुका है। तो फाइनली गाइज आज के दिन में हम वो स्पोर्ट कार दोबारा से लेने वाले हैं। तो गाइज वीडियो स्टार्ट करने से पहले, जो भी हमारी इस वीडियो में नया एंड जिसने भी गाइज अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, तो प्लीज़ भाई लोगों चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो जैसे कि गाइज आप लोगों को पता होगा कि मैं 250 सर्वर छोड़ने के बाद अपना सोशल सर्वर खेल रहा हूँ दबा के। तो गाइज़ यहाँ पे आज के दिन पे या फिर रात के टाइम पे मैं सोशल सर्वर स्टार्ट करूँगा। तो मैं ऐसे करता हूँ गाइज़, इस बार देखता हूँ मैं आपको अपना सोशल सर्वर का नाम बता दूँगा, तो आप लोग इजीली वहाँ पे ज्वाइन हो जाइए एंड अपना गाइज़ अपना अपना खेलना, तो मैं भी गाइज़ अपना अपना खेलूँगा। तो गाइज़ यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे पहुँचे एंड हमें गाइज़ एक बहुत बड़ा बेस दिखा, जो कि नीचे वाला सेक्शन स्टील का था एंड अपर सेक्शन जो था गाइज़ वो आयरन का था। तो हमने डिसाइड करा कि चलो यार इसको रेड करते हैं। तो गाइज़ अभी जो बम है वो हमारे अमन भाई के पास है, तो गाइज़ याला बेस रेड करेंगे अमन भाई। तो फटाफट से गाइज़ यहाँ पर हम देखने लगे कि यहाँ पर इस बेस के अंदर से हमें लूट मिल सकता है या नहीं मिलता। पर गाइज़ यहाँ पर जब हमने इस बेस को ऑलमोस्ट रेड कर लिया था, ओनली गाइज हमने इसकी जो वर्कबेंच थी उसे डिस्ट्रॉय नहीं करा था, तब तक गाइज इस बेस का जो ऑनर था, इस बेस का एडमिन, वो यहाँ पे आ चुका था। तो गाइज उसने मेरे को यहाँ पे नॉक कर दिया था, पर अपन के टीममेट ने सबको गाइज उसको नॉक एंड फिनिश कर दिया था। चलो गाइज ऐसे करते हैं, फटाफट से इस बेस को रेड करना करते हैं स्टार्ट। तो गाइज यहाँ पे हम देख रहे थे कि इसको डोर से रेड करे कि सेंटर से रेड करे, पर गाइज बाद में हमें पता चला। तो गाइज़ यहाँ पे अपन के टीममेट जो है ना, वो ग्लिच करके देख रहे थे, तो उन्होंने बोला इसको डोर से रेड करने में काफ़ी ज़्यादा इजी होगा, अराउंड 12 हैंडमेड, सिर्फ 12 सीफोर्स लगेंगे इसके अंदर पहुँचने में। अगर हम वॉल से रेड करते तो डेफिनेटली यार काफ़ी ज़्यादा सीफोर्स लगने वाले। तो चलिए गाइज ऐसे करते हैं, हम इसको रेड करने वाले हैं डोर से, तो देखते हैं गाइज कि हमारे कितने सीफोर्स लगते हैं। तो फटाफट से गाइज यहाँ पे अमन भाई ने 4 सीफोर्स लगाए, तो जी हाँ गाइज यहाँ पे 4 सीफोर्स तो लगा लिए, तो देख सकते हैं गाइज यहाँ पे एक और डोर आ चुका है। तो यहाँ पे गाइज मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, क्या हमने गलत डिसीजन तो नहीं लिया है इसको डोर से रेड करने का। तो देखते हैं गाइज दोबारा से, अपन के जो टीममेट्स हैं वो चेक करने जा चुके हैं एंड अभी बताएंगे कि गाइज आगे हमें करना क्या है। तो गाइज मेरे को भी यहाँ पे लग रहा था कि इसको डोर से ही रेड करने में ज़्यादा ईजी रहेगा, क्योंकि गाइज यहाँ पर जो रूफ है ना, तो आप देख सकते हो 12 सीफोर्स इसके वॉल्स में लगेंगे, फिर 10 हैंडमेड इसके रूफ्स में लगेंगे, फिर 12, तो अराउंड गाइज यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सीफोर्स लग जाएंगे हमारे। तो फाइनली गाइज अब ऐसे करते हैं, इसको डोर से ही रेड करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे गाइज अपन के सारे टीममेट्स बोलने लगे हैं कि अमन भाई बम लगाओ फटाफट से एंड इसको रेड करो। तो देख सकते हो गाइज लीजेंड भाई और मैक भाई यहाँ पे ग्लिच करके चेक कर रहे हैं एंड मेरे को तो गाइज ये लग रहा है कि हमें इसको डोर से रेड करेंगे ना वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा। तो फाइनली गाइज यहाँ पे 4 सीफोर्स और लगा लिए हैं एंड देखते हैं गाइज यहाँ पे से डोर मिलता है या नहीं मिलता। तो फाइनली भाई लोग आपने देख लिया होगा कि यहाँ पे मेरे को आयरन का डोर मिल चुका है, तो स्टील का डोर, तो गाइज हम इस बेस के अंदर घुस चुके हैं, वो भी ओनली 12 सीफोर्स में, तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ गया। अगर गाइज हम वॉल से रेड करते ना तो लिटरली गाइज काफ़ी ज़्यादा सीफोर्स लग जाते। तो फटाफट से गाइज ऐसे करते हैं, आप देखते हैं कि अंदर हमें इसका कैबिनेट, तो फाइनली गाइज यहाँ पे कैबिनेट इजीली मिल गया है। तो चलो फटाफट से ऐसे करते हैं, मैं कैबिनेट में बॉम्ब लगा दूंगा, देखने गाइज तब कैसे भागते हैं ये सब के सब। तो फाइनली गाइज यहाँ पे बोल रहा हूँ मैं बॉम्ब लगा दूँ, तो फाइनली यहाँ पे मैंने बॉम्ब लगा दिया, तो देखना गाइज अभी सबके सब भागेंगे, और भाग के आगे गए सबके सब। तो फाइनली गाइज यहाँ पे कैबिनेट तो डिस्ट्रॉय हो चुका है, तो चलो फटाफट से ऐसे करते हैं अपना कैबिनेट प्लेस करते हैं एंड यहाँ पे गाइज जो बंदा है ना उसने अपनी गाइज जितनी भी फर्नेसेस है वो ऑन करके रखी हुई है, तो मे बी मेरे को यहाँ पे से काफ़ी अच्छा मटीरियल मिल सकता है। तो गाइज यहाँ पर मेरे को मेल्टेड सल्फर, 7 के सल्फर एक फर्नेस से मिला, इस फर्नेस से कितना सल्फर मिल सकता है, तो इससे गाइज मेरे को 9 के आयरन मिला, तो गाइज काफ़ी अच्छा सामान मिल चुका है मेरे को। तो चलो गाइज ऐसे करते हैं फटाफट से मैं जितना भी मेरे पास सल्फर है, चारकोल है, मैं उसका गाइज जीपी बनाने लगा लेता हूँ अपनी इन्वेंट्री में।
तो आगे दिक्कत नहीं होगा गाइस, जहाँ पे मेरे को अच्छा मौका मिलेगा मैं वहाँ पे बम्स वगैरह भी इजीली क्राफ्ट करके क्राफ्टिंग में लगा दूंगा। तो गाइस यहाँ पे हम जितना भी हमारे पास सामान है ना वो क्राफ्टिंग में लगा लिया है। तो मेरे को यहाँ पे थोड़ा सा गाइस चारकोल था वो भी मिल चुका है, तो उसका भी गाइस मैं ऐसे करता हूँ जीपी क्राफ्ट करने के लिए लगा देते ना। तो फाइनली गाइस काफ़ी ज़्यादा जीपी, अराउंड 6K GP तो हमारा क्राफ्टिंग में लग चुका है, जो कि काफ़ी बढ़िया है। तो चलो गाइस फटाफट से इस बेस को तोड़ना करते हैं हम स्टार्ट। तो गाइस यहाँ पे मैं बेस तोड़ने लगा था, तब तक गाइस अमन भाई ने बोला पूरा तोड़ दो, पर इसका जो कैबिनेट है ना, नहीं क्या बोलते हैं अपन, वर्क बेंच, वो नहीं तोड़ना। तो देखते हैं गाइस, तो चलिए गाइस अब ऐसे करते हैं फटाफट से इसको तोड़ना करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पे गाइस मेरे को तो मना कर दिया है तोड़ने के लिए, एंड सबसे पहले गाइस इस बेस को पूरा तोड़ देते ना ऊपर से। तो फाइनली गाइस अभी तक नहीं हुआ गाइस, इसको तोड़ते हैं। तो फाइनली गाइस याला बेस तो अपन ने पूरा रेड कर दिया है, तब तक देख सकते हो गाइस इस बेस का ओनर आ चुका है, एंड एक बंदे को तो गाइस नॉक कर दिया, मैं तो नॉक हो चुका हूँ, एंड आई थिंक गाइज हमारे मैक भाई ने उस भाई को भी मार दिया। तो फटाफट से मैं बोलता हूँ मेरे को रिवाइव कर दो, देखते हैं गाइज कि रिवाइव हो पाता हूँ या नहीं हो पाता। आई मीन गाइज मेरे को तो लग रहा है मैं इजीली रिवाइव हो जाऊँगा, तो जी हाँ गाइज मैं यहाँ पे इजीली रिवाइव हो जाऊँगा। तो गाइज यहाँ पे से चलते हैं हम सीधा दूसरे बेस को रेड करने के लिए। तो गाइज यहाँ पे अब चलते हैं हम अपने पुराने वाले सर्वर में, जहाँ पे गाइज हमें चाहिए था अपन का नहीं स्पोर्ट कार, तो स्पोर्ट कार वाले सर्वर में गाइस अभी थोड़े देर बाद चलेंगे। तो मैं गाइस सबसे पहले अपना आपको हील अप कर लेता हूं, मेरे पास ऑलमोस्ट काफी ज्यादा सिरिंजेस बाकी हैं। तो चलिए गाइस अब ऐसे करते हैं दोबारा से चलते हैं कोई दूसरा बेस सर्च करने के लिए, एंड उसको दोबारा से गाइस रेड करते हैं। यहाँ पे देख सकते हो गाइज कि हमारे पास कितना ज़्यादा सामान रखा हुआ है, मैंने गाइज जो रॉम माइंस भी थी वो भी रखी हुई है, आई मीन आयरन माइंस हो गई, सल्फर माइंस हो गए, एंड जितना गाइज वो था ना मेल्टेड वो भी है मेरे पास। तो गाइज यहाँ पे हम आ चुके हैं दूसरे बेस को रेड करने के लिए, जो कि गाइज हमने पहले कभी देखा था, पर उस बेस को रेड नहीं करा था, एंड गाइज यहाँ पे मेरे से ग्लिच हो गया है, पता नहीं मेरे को आई थिंक गन पीछे रखना पड़ेगा पहले तभी चढ़ेगा। तो चलिए गाइज गन पीछे रखते हैं एंड अब चढ़ते हैं ऊपर। तो यहाँ पे गाइज अमन भाई तो नीचे गिर चुके, नहीं लीजेंड भाई नीचे गिर चुके हैं, तो मेरे को नीचे नहीं जाना गाइज, मैं तो सीधा ऐसे करता हूँ यहाँ पे से चलेंगे। तो गाइज यहाँ पे इस बेस को हमने रेड करने का डिसाइड करा था कि चलो इस बेस को रेड करते हैं, एंड यहाँ पे गाइज पता नहीं क्या चल रहा है, हमारा एक बंदा जो है वो नॉक हो चुका है, तो उसको फिनिश कर दूँ। तो ऐसे करते गाइज अभी फिनिश तो नहीं करेंगे। तो यहाँ पे गाइज ग्लिच करके चेकआउट कर रहे हैं, एंड यहाँ पे गाइज आई थिंक मैक भाई ने चेकआउट करेंगे, एंड यहाँ पे मैक भाई रेड भी कर देंगे। पर गाइज जो हमें यहाँ पे से सामान मिलता है ना, वो सामान देख के गाइज लिटरली मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, इतना ज़्यादा सामान था ना गाइज पूछो ही मत। सल्फर हो गया गाइज, मेल्टेड सल्फर हमें इतना ज़्यादा मिला, अगर गाइज किसी को भी इतना सल्फर अगर सोशल में मिल जाए अराउंड 5x में, तो गाइज काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। ये 5x सर्वर है गाइज, तो देखना गाइज। तो यहाँ पे गाइज ये रेड करना स्टार्ट कर लिया, और यहाँ पे देखो गाइज बॉक्सेस। तो सबसे पहले गाइज मैं अंदर आ चुका हूँ, एंड यहाँ पे गाइज ये बॉक्स देखेंगे, ओ तेरी गाइज यहाँ पे देखो सामान तो देखो गाइज, मजाक चल रहा है ये, ओ तेरी गाइज, ओहो सल्फर गाइज सल्फर, ओ भाई साहब गाइज लिटरली इतना ज़्यादा सल्फर। यहाँ पे गाइज आई थिंक ये बॉम बॉक्सेस से इन्होंने सामान उठा लिया अपने टीममेट्स ने, एंड सल्फर तो गाइज लिटरली इतना ज़्यादा सल्फर मैंने गाइज अभी तक कभी नहीं देखा, सोशल सर्वर में भी नहीं देखा गाइज 5x वाले में। तो अब तो गाइज काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ गया इन सारे सल्फर्स को लेके, हम जाएंगे अपने बेस में एंड गाइज दोबारा से करेंगे रेड करना। तो गाइज यहाँ पे अपन के टीममेट ने सारे बेस तोड़ दिया है, तो चलिए गाइज अब ऐसे करते हैं हम जितना भी सामान वगैरह ना वो कलेक्ट करेंगे, एंड मेरे पास गाइज जितना भी आयरन माइंस है स्टोन्स है उन सबको गाइज मैं रिमूव कर दूंगा अपने बैकपैक से, एंड जितने भी गाइज सल्फर है ना मेल्टेड सल्फर वो गाइज मेरे को रखना है अपने पास।
तो चलिए गाइस ऐसे करते हैं, फटाफट से हम उठाने का कोशिश करते हैं। तो गाइस यहाँ पे आयरन आर्मर इतना ज्यादा है, तो ऐसे करता हूँ गाइस आयरन आर्मर तो ले जाना बनता है। तो फटाफट से गाइस अपन के जितने भी टीममेट्स हैं वो सारा का सारा सामान उठा लेंगे, टाइम टाइम के हिसाब से जितना भी सामान इनको चाहिए होगा। तो चलिए गाइस अब ऐसे ही करते हैं, इन सारा सामान को लेके चलते हैं हम अपने मेन बेस में। तो मेन बेस तो गाइस वहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा दूर है हमसे, तो मैंने आयरन माइंस पूछा इंस्पेक्ट से कि आयरन माइंस रखनी है अपने पास कि नहीं रखना, और सल्फर माइन, तो उन्होंने बोला कि भाई सब रखना है। तो ऐसे करते हैं गाइस वो सब चीज़ हम कलेक्ट करके रखेंगे अपने पास। तो गाइस यहाँ पे ऑलमोस्ट सारा सामान तो मैंने उठा लिया, पर गाइस कुछ सल्फर माइंस यहाँ पे बच चुकी है, तो उसे देखते हैं कि उसे मैं कैसे उठा सकता हूँ। तो गाइस यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा हाइट का आर्मर्स दिखा था, मैंने वो ड्रॉप कर लिया है। एंड बोन का सूज था मेरे पास गाइस, बोन के आर्मर्स तो मैं ऐसे करता हूँ सारे ड्रॉप कर लूँगा, एंड पिस्टल भी ड्रॉप कर लेंगे, उजी भी ड्रॉप कर लेंगे ना। तो चलिए गाइस ऐसे करते हैं फटाफट से ये सामान कलेक्ट कर लेते हैं। तो ऑलमोस्ट गाइस मेरे पास कितना ज़्यादा सामान हो चुका है, एंड यहाँ पे लीजेंड भाई बोल रहे थे कि मैं बेस बना लेता हूँ, एंड जितना भी सामान हमें यहाँ पे मिला है वो हम रख देंगे बेस के अंदर। तो मैं गाइस यहाँ पे इनसे मजाक करने लग गया था, तुमने रेड करा हुआ बेस का और रेड करा है तो अभी कोई तुम्हें ये सामान रखने थोड़ी ना देगा, वो भी रेड कर देगा। तो गाइस फटाफट से चलते हैं एंड यहाँ पे से गाइस निकलते हैं। ऑलमोस्ट हमने जितना भी इम्पोर्टेंट सामान था गाइस वो उठा लिया है। तो देख सकते हो गाइस अभी भी ये सामान ही उठाने में लगे हुए हैं, एंड मैं तो गाइस गाड़ी में बैठ चुका हूँ। एंड यहाँ पे से गाइस सीधा निकलते हैं हम अपने बेस के लिए, क्योंकि मेरे पास भी आप देख सकते हो गाइस 60 से 70 हज़ार सल्फर है। एंड तो चलिए गाइस अब ऐसे करते हैं यहाँ पे से निकलते हैं, एंड जितना भी गाइस हमारे पास एक्स्ट्रा सामान था ना वो हमने अपनी गाड़ी के स्टोरेज बॉक्स में रख लिए हैं। तो गाइस यहाँ पे से तो हम निकल जाते हैं सीधा अपने मेन बेस में, एंड उसके बाद गाइस हम चलते हैं अपने दोबारा से वही वाले सर्वर में जहाँ पे गाइस हमने दबा के रेड करी थी एंड स्पोर्ट कार के लिए फाइट कर रहे थे। तो फाइनली गाइज यहाँ पे मैं अब दूसरे सर्वर में एंटर कर चुका हूँ जहाँ पे गाइज हम दोबारा से रेड करने निकल गए थे। तो फाइनली गाइज यहाँ पे मैं अपने जो मेन बेस हमने रेडिंग बेस बनाया हुआ था ना वहाँ पे गाइज स्पॉन हो चुका हूँ। तो गाइज यहाँ पे देख सकते हो अपन के एक भाई ने बता दिया है कि जो तुम्हारा स्पोर्ट कार था वो हमें मिल चुका है। तो फटाफट से गाइज ऐसे करते हैं चलते हैं सीधा अंदर। तो फाइनली भाई लोग चलो फटाफट से चलते हैं एंड देखते हैं कि हमारा स्पोर्ट कार मिला है या नहीं मिला हमें। तो गाइज मैंने अभी तक कभी भी स्पोर्ट कार चलाया नहीं है, तो देखते हैं कि स्पोर्ट कार चलता कैसा है एंड हैंडलिंग कैसी है। तो यहाँ पे देख सकते हो गाइज लीजेंड भाई आज स्पोर्ट कार लेके, तो फटाफट से गाइज ऐसे करता हूँ मैं भी स्पोर्ट कार में बैठता हूँ एंड निकलते हैं गाइज यहाँ पे से, जरा स्पोर्ट कार का राउंड मार के आते हैं। तो देख सकते हो गाइज मैं जितनी भी गाइज अच्छी चीज़ें होती हैं ना मेरे साथ, तो मैं उनका गाइज हमेशा स्क्रीन शॉट लेके रखता हूँ, पता नहीं क्यों गाइज मेरी आदत ही बन गई है। तो देख सकते हो गाइज स्पीड कितना है इसका 100+। अगर गाइज हम इसके साथ बैच लेके भागे तो गाइज डेफिनेटली काफ़ी तेज भाग सकता ही है एंड रोड में तो गाइज काफ़ी गजब का चलेगा। तो एक बार गाइज रोड में लेके चले इसको, गाइज रोड काफ़ी दूर है नहीं, रोड पास नहीं है, तो चलते गाइज ऐसे करते हैं ट्राई करें रोड में जाने का। तो यहाँ पे गाइज विष्णु भाई को सॉरी बोले, क्योंकि विष्णु भाई को गाइज गलती से मैंने मार दिया था, तो उनके लिए गाइज सॉरी। तो यहाँ पे गाइज मेरे को मचेट मिली है एंड मचेट से गाइज पेड़ कट रहे हैं, तो गाइज काफी ज्यादा मजा आ रहा है इसको चलाने में वैसे। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना गाइज अगर आपने कभी स्पोर्ट कार चलाई है या नहीं चलाई है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना अगर चलाई है तो आप लिखना, अगर नहीं चलाई है तो ना लिखना। तो गाइज मेरा काफ़ी दिनों बाद ये सपना पूरा हो चुका है कि स्पोर्ट कार चलाना है यार, मैंने अभी तक कभी नहीं चलाया था स्पोर्ट कार, तो आज पहली बार मुझे गाइज चलाने का मौका मिला है एंड हेल्थ तो काफ़ी अच्छा है गाइज, कितना बार मैंने इसको ठोक दिया है अभी तक थोड़ी सी भी हेल्थ नहीं हुई। तो चलिए गाइज आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, आई होप गाइज आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर गाइज
वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना एंड मन करे तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो गाइस यहां पे हमारा एक और वीडियो रिलीज कर रहा है जहां पे गाइस हंटर भाई हो चुके हैं नॉक एंड गाइस यहां पे मैं चेक करने लगा था कि इस वाली मचीट से ये ऑटो कैनन डैमेज होती है या नहीं होती, पर आई थिंक गाइस याली ऑटो कैनन इससे डैमेज नहीं हो रही है, वो पिस्टल से डैमेज होता है। तो चलिए गाइस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे। तो बस भाई लोगों अपने छोटे भाई पे ऐसे सपोर्ट बनाए रखिए। तो गाइस मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे। तो बाय बाय भाई लोगों।